अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कू रेडी हो गई ना? हाँ दादा, फरका माई से बात हुई है, वो तैयार हो रही है। दादा हमें बहुत टेंशन हो रही है, ये गायत्री देवी क्या गुल खिलाने वाली है हमें कुछ नहीं पता। संजीव, संजीव मीडिया कर्मियों का यहाँ आने के लिए सदर धन्यवाद। अब आपके सामने विपक्ष की विधानसभा उम्मीदवार, महिला अधिकारों की सशक्त कार्यकर्ता गायत्री जी एक हैरान कर देने वाला खुलासा करेंगे। गायत्री देवी, गायत्री देवी, गायत्री देवी, आज महिला अधिकारों के इतिहास में एक काला दिन है। आज हमको हमारे विपक्षी नेता श्री राजीव नारायण चंदेल के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले और घिनौने सच के बारे में पता चला है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या क्या जुर्म किए हैं उसका चौंका देने वाला सच सामने आया। ये आदमी इंसान नहीं, राक्षस है, हैवान है, दरिंदा है। परसों से अपनी मासूम पत्नी के प्रति हिंसा और शोषण करता आया है। राजीव चंदेल मुर्दाबाद, राजीव चंदेल मुर्दाबाद। संजू बाबा, ये मेरे पापा को क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये बुरे लोग हैं, इनकी बातें नहीं सुनते। आप लोग जाके देखो पंडित जी आए कि नहीं। कम ऑन, गो गो गो, फास्ट फास्ट गो। तुम लोग भी परेशान मत हो, एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर देखते हम इनको। सारा सच दुनिया के सामने लेकर आएंगे, हर एक झूठ से पर्दा उठाएंगे। उस गुड़िया के आने से पहले आई को इस हॉस्पिटल से निकलना होगा। गुड़िया आई के पीछे यहाँ जरूर आएगी। आई नो, शी विल कम। मैडम देखो, देख के चलो। अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? आपकी वजह से पेशेंट नीचे गिर गई, देख के चलिए। सॉरी 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 सॉरी। अब उठी उठी आप ठीक है ना? लगा तो नहीं ना कहीं? कहाँ ढूंढे नर्स मैडम को? ये सब बयान नहीं, मेरे पास राजीव चंदेल के खिलाफ पुख्ता सबूत है। ये क्या हो रहा है? कि कैसे उसने अपनी मासूम पत्नी का शोषण किया, उसको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। सबूत है मेरे पास। हे मां भवानी, क्या क्या हो रहा है ये सब? भोलेनाथ रक्षा करो। शाबाश। आज मैं आप सबके सामने राजीव चंदेल के घरेलू अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत पेश करूंगी। वो सबूत जिसे कोई काट नहीं सकता, छुटला नहीं सकता। हंसनी जी के खिलाफ राजीव के अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत, खुद हंसनी जी हमारे साथ हैं। आइए हंसनी जी।
क्यों? पापा है ना? कम आ जा। पापा है ना, तो पापा के होते हुए डरना क्यों? और ये जो हंसी नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकती पापा के रहते। बता दो सबको अपना कड़वा दुख भरा दर्दनाक सच। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, समाज तुम्हारे साथ है, पूरी जनता तुम्हारे साथ। राजीव के अत्याचार को बेपर्दा कर दो। शादी की तैयारी तुरंत शुरू कीजिए। चल। हे भोलेनाथ, वो तो अब भी लौटी नहीं, क्या करें हम? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। कहाँ है? हमें नहीं मालूम। दुल्हन को बुलाइए ताकि शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। कुहू को बुलाइए, समय बीता जा रहा है। कुहू को बुलाइए ना, समय बीता जा रहा है। माई, माई आप इतना परेशान क्यों दिख रही है? कुहू कहाँ है? कुहू? कुछ गड़बड़ है माई। कुहू, 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 कुहू घर पे नहीं है क्या? अस्पताल गई। कुहू हॉस्पिटल में? क्या हुआ मां कुहू को? माई बताइए कुहू को क्या हुआ, हॉस्पिटल में क्या कर रही है? ठीक है, हम खुद ही जाकर देख लेते। राजीव बाबू। कुहू? कुहू? कुहू, तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या हुआ? अभिना, ये सब कहने सुनने का कोनो वक्त नहीं है। अरे लेकिन कुहू, हम टीवी पे सारा खबर सुन लिए हैं। कुहू, लेकिन तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? कुहू, तुम ठीक हो ना? ठीक है राजीव बाबू, पर सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग को ब्याह करना होगा। हंसनी दीदी का झूठ सबके सामने लाना होगा। तुरंत ब्याह करना होगा राजीव बाबू। चलिए। Yeah.
राजीव चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद, हंसनी चंदेल जिंदाबाद जिंदाबाद। राजीव, ये क्या हो रहा है? क्या है ये सब? तुम कुहू से शादी कर रहे हो, अपनी पत्नी हंसनी के रहते हुए? यकीन नहीं हो रहा है। एक पत्नी के रहते हुए दूसरे से ब्याह? क्या हो गया तुमको? सर आप हमारी बात, राजीव तुमको मालूम भी है कि क्या हुआ आज? आज तुम्हारा राजनीतिक भविष्य बच गया, और वो भी इस हंसनी के चलते, इसकी सूझबूझ और समझदारी के चलते।